आज यहाँ इस मिनी राइस मिल में जो धान फंसता है, चावल फंस जाता है, जो रोलर घूमना बंद हो जाता है, उसका जो एक कारण होता है वो यहाँ बताऊंगा। ये बहुत कम ही ऐसे कारण आते हैं। यहाँ देख रहे हो नीचे, वहाँ जो चावल गिरता है वहाँ चावल जमा हो जाता है ढेर सारे, और जो निकलना बंद हो जाता है चावल, उसे वो फंस जाता है। उसके कारण इसको खोल कर जानेंगे, जो इसको खोलेंगे तभी पता चलेगा क्या कारण की वजह से जो चावल गिरता है वो गिरना बंद हो जाता है, और जो रोलर से होता है चैम्बर से वो निकलता नहीं है चावल। ऐसा ऐसा अक्सर बहुत ही कम ही होता है, जैसे बहुत दिन हो जाता है, 5-6 महीने हो जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे 5-6 महीने बाद एकाएक बार ऐसा घटना घटता है। इसके अंदर जो चावल का छिलके का जो पाउडर बना हुआ होता है, ये धान का छिलके का, वो पाउडर यहाँ आके थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होने लगते हैं, वही वही थोड़ा जमने लगते हैं, जमते जमते बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद जो चावल गिरने का जो छेद होता है, छिद्र होता है, वो बंद कर देते हैं, वही जो पाउडर के वो जो होता है भूसा, वही पाउडर वाला भूसा जम जाते हैं और वही बंद कर देते हैं चावल गिरने वाले को। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो जाते है, देख सकते हो कचरा दिख रहा है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो चावल गिरता है वो गिर नहीं पाते हैं। इस वजह से जो चैम्बर में हो, चाहे चैम्बर से चावल गिरता ही नहीं, इसलिए कभी कभी इसको ऐसे खोलकर साफ सफाई करना पड़ता है। देख सकते हो कितना कचरा है, ये सारे कचरे को साफ करना होगा। ये छिलके है धान का, छिलके जो भूसा होता है, इसको इस तरह से कम्बी वाले ब्रश से साफ करने से अच्छा होता है, देख सकते हो। ये मैंने इसको पहली बार ऐसे खोला हूँ, यानी पहले बस कम्बी इसके अंदर डालकर ऐसे हिला हिला कर काम चला रहा था, जो आज ये इसको खोल के पूरा साफ ही कर दे रहा हूँ। पहले तो मैंने इसको साफ केवल कम्बी डालकर साफ करता था, चावल कुटाई होकर नीचे गिरता ही नहीं था, बस कम्बी डाल लेते थे और ऐसे ऐसे जो उसका होल होता है उसको थोड़ा सा खोल देते थे। आज इसको खोलकर पूरा साफ ही कर रहा हूँ, जैसे देख सकते हो ये जो पाउडर है, भूसी का पाउडर है जो जम जाता है इस टाइप को, उसे जमते जमते बहुत बड़ा जम जाता है, पूरा जो चावल गिरने का जो छेद होता है उसको पूरा बंद कर देता है। पहले इसके बारे में पहले पता नहीं था मुझे, मैं सोच रहा था कि ये चावल गिर क्यों नहीं रहा है। चैम्बर चैम्बर से जो होलर होता है, जो रोलर होता है, शाफ्ट होता है, उसको धक्का क्यों नहीं मार रहा है, ये सोचता था। तो बाद में इसे पता चला कि नीचे गिरता ही नहीं, इस वजह से वो फंसने लगता है। ये जब इतना साफ हो जाने के बाद ये कुछ दिन चलेगा, 2-4 महीना ये चलेगा, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके वो भूसा इसमें बैठने लगेगा, जमा होने लगेगा। अभी ये साफ हो जाएगा तो चलता रहेगा। ये जो जमा हुआ होता है वो यानी खल्ली टाइप का दिखता है, खल्ली तो देखे ही होंगे, जैसे जो तेल पिराई होता है उसका जो खल्ली निकलता है वो वैसा ही होता है, खल्ली टाइप का, बोले खल्ली ही है। ऐसे जो राइस का जो होता है, राइस का ऑयल, उसका खल्ली, वही खल्ली ये होता है। तो पहले नहीं मालूम था तो ये खल्ली किधर से आ जाता है ऐसे सोचता था, फिर बाद में इसको जो कम्बी डालकर जो देखते थे तो यहाँ से निकलता था खल्ली टाइप का। खल्ली जो सरसों तेल पिराई करने के बाद जो खल्ली बचता है, उस टाइप का ये खल्ली होता है। नहीं जाने पर शुरू शुरू बार ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है,
दो तीन बार तो हमको मालूम ही नहीं चला था ये जब ऐसे घटना घटा था। तो इसको खोलने लगाने में उतना दिक्कत नहीं हुआ, बस ये छोटा छोटा स्क्रू है उसको बाहर से ही खुल जाता है, ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं है, साफ करके इस तरह से फिट कर दो बस हो जाएगा। अगर ये 6N40 मॉडल वाला राइस मिल अगर डेली 4-5 घंटा चला रहे हो तो ये 2-3 महीना बाद इस टाइप का खल्ली टाइप का जम ही जाते हैं, यानी छिलकी का भूसा जम जाते हैं। और जानकारी चाहिए तो चैनल में विजिट करके देख लेना, आपको कमेंट करके पूछने कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा।